स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सरमैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी है और बहुत स्टूडेंट मुझसे नाराज भी है। मैं ये जानता हूं क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छा पढ़े हैं उन लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, और जो स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़े हैं, 50% पढ़े हैं, तो वो लोग भी एग्जाम अच्छा लिखे होंगे। जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो लोग एग्जाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने जो अपलोड किया है 100% आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर से मिस हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंस करके दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख सकते हो, इतना ईजी पेपर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैथमेटिक्स सर हूं इसलिए इजी पेपर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए भी बहुत इजी पेपर था, मैंने पहले से ही कह रहा हूं कि पेपर इजी आएगा, उसी तरह का पेपर आया है और क्वेश्चंस भी वही क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझको बार बार कमेंट कर रहे थे क्या सर हम यही पढ़ लेना, क्या यही पढ़ लेना। मैंने कहा था हाँ यही पढ़ लेना, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मेरे पैरा स्टूडेंट्स, एक आध क्वेश्चन, एक तीन चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन क्वेश्चन आपको मैंने जो टिक करा है उसके अंदर से ही आए, आप चेक कर लीजिए। मैं भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रीचेक करके आपको अपलोड करूंगा, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब मुझ पर ट्रस्ट किए हैं तो मैं भी आपको आपके साथ ट्रस्ट वर्दी रहूंगा। इतने बच्चे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ मैं खेल तो नहीं सकता, बुरी बात है ये, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था आपको पेपर बहुत इजी आएगा। 10th क्लास का पेपर तो बहुत ही इजी पेपर था, आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतने क्वेश्चंस आए थे। 4 लॉन्ग आंसर्स आप चेक करेंगे, मैंने जो रिवीजन दिया था 32 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है। 3p+1 का है, p²-1 की जगह k²-1 का है, और उसी तरह मीडियन का है, और फुल फॉर्म्स मैंने दिया है मीडियन का फुल फॉर्म, अर्थमेटिक मीन का, ये तकरीबन क्वेश्चंस उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं जानता हूं कुछ लोग स्टूडेंट नाराज भी होंगे कि हम वही पढ़े हैं नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूं, मैंने भी गेस करके दिया है आपको फायदा होने के लिए, आप अच्छा लिखने के लिए। कुछ क्वेश्चंस नहीं आए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, हम हमारे पास और मौका है और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आप भी बहुत खुश होंगे। ये वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि पेपर किस तरह आपका गया, और कोई स्टूडेंट नहीं पढ़े, अगर मेरी तरफ से आपको बुरा लगा हो या आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जो रिविजन दिया नहीं आया, तो आपके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, क्योंकि आप सही से शायद नहीं पढ़े होंगे, अगर सही से शायद पढ़ते तो पूरा आपको मिल जाता था, बेस्ट ऑफ लक।